अगला टॉपिक है हमारा बोट एंड स्ट्रीम। ये भी रिलेटिव स्पीड का ही है। रिलेटिव स्पीड का तीन पार्ट है, हम लोग एक पार्ट नॉर्मल बेसिक पढ़े, दूसरा पार्ट ट्रेन वाला पढ़े, और तीसरा पार्ट जो है बोट एंड स्ट्रीम है ना। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन तो आसान आता है, लेकिन अभी इधर भी जैसे सी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आने लगा है, जो मतलब क्वेश्चन आसान है बट उसका कैलकुलेशन ज्यादा टाइट है ना। तो देखिए, अगर बोट स्टील वाटर में होता है तो हम उसको एक्स मानते हैं, और करंट चाहे स्ट्रीम का जो स्पीड है उसको हम लोग स्थिर पानी का जो है हम लोग एक्स मानते हैं, और धारा को हम लोग क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। एक्स हमेशा वाई से बड़ा होगा तो स्पीड ऑफ बोट सेम डायरेक्शन में एक्स प्लस वाई होगा डाउन स्ट्रीम में है ना। अपोजिट डायरेक्शन बोले तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, एक्स माइनस वाई। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अरे सर आप तो पढ़ाए सेम डायरेक्शन में x माइनस वाई होता है रिलेटिव स्पीड, यह उल्टा है, ये धारा के डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के तरफ ही जा रहा है तो और बढ़ा देगा स्पीड, क्योंकि यहाँ पर उल्टा है, मतलब वो x माइनस वाई रिलेटिव स्पीड का उल्टा चलता है यहाँ। तो ये x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम में होगा और अप स्ट्रीम में x माइनस वाई होगा, है ना। तो डिस्टेंस आपका x प्लस वाई और डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई हो गया, x हमेशा y से बड़ा होगा, डाउन स्ट्रीम ज्यादा रहेगा अप स्ट्रीम से, अप स्ट्रीम उसको रोक रहा है, और x क्या होगा दोनों का एवरेज स्टील वाटर जो होता है ना, y क्या होता है करंट स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होता है दोनों का माइनस होटा दू, है ना। और कंपोनेंटो और डिपेंडेंटो अगर लगाएंगे तो x प्लस वाई बाई x माइनस वाई डी बटा यू के बराबर आएगा। तो ये कंसेप्ट से एग्जाम में आपका हिसाब बनेगा। चलिए देखते हैं इसको। तो एक पर्सन जो है अप स्ट्रीम में जा रहा है 55 किलोमीटर 5 घंटे में, और डाउन स्ट्रीम में जा रहा है 75 किलोमीटर 3 घंटे में, कितना समय वो लेगा 96 किलोमीटर स्टील वाटर में जाने में, ठीक है। देखिए अप स्ट्रीम में 55 5 में मतलब स्पीड कितना हुआ 11 75 बाई 3 25, और 96 किलोमीटर जा रहा है एक्स तो 96, और ये सबसे पहले स्टील वाटर तो इसी से निकल जाएगा 11 प्लस 25 और बाई 11 माइनस 25 प्लस 11 बाई 25 माइनस 11। देखिए बैक करिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिए, भूलिएगा नहीं, प्लस वाई प्लस एक्स बराबर क्या होता है दोनों का एवरेज, है ना, ठीक है। तो दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा 25 प्लस 11 बाई 2 एक्स हो गया, स्टील वाटर में 18 हो गया, ठीक है, स्टील वाटर में 18 हो गया, तीनों हमको मिल गया। तो हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस तो मिल लिया गया है 96 बाई 18 हो जाएगा स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, 96 बाई 18 बोलो तो कितना मिनट, कितना 18 बचे 90 5 घंटा कुछ मिनट, 5 घंटा 20 मिनट बी ऑप्शन, है ना। बोट जो है 2.4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है 16 मिनट में, स्पीड जो है स्टील वाटर का और करंट का 8:3 है, कितना समय वो लेगा 21.6 किलोमीटर जाने में स्टील वाटर में और 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, ठीक है। देखिए देखिए सबसे पहले अप स्ट्रीम का हमको स्पीड पता कर लेते हैं, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना चला है वो 2.4 चला है 16 मिनट में, 16/60 कर लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा आवर मिल जाएगा, तो ये हमको सॉल्व करके आ गया 9 किलोमीटर पर आवर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अप स्ट्रीम में 9 हो गया, डाउन स्ट्रीम में कितना होगा 8:3 है, मतलब क्या है स्टील वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसका मतलब कि और बढ़ा के 8:3 कर दिया होगा उसको, तो ये मतलब सबसे पहले रेशियो से पकड़िए दोनों का डिफरेंस क्या था 5, यही 5 की वैल्यू होगा 9, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ही है ना वापस स्ट्रीम होगा, घटाया होगा उसको, 5 का वैल्यू 9 है, इसका मतलब 1.8 गुना हुआ, हमको चाहिए दोनों का जुटेगा तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, तो 11 का वैल्यू जो है 11 को 1.8 से गुना करेंगे तो डाउन स्ट्रीम का वैल्यू आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम का वैल्यू कितना आ गया, जो जितना भी आया उतना आ गया, है ना, 11 × 1.8 ही छोड़ दीजिए क्योंकि कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, और x हमारा कितना है, x मिल जाएगा ना 19.8 दोनों का एवरेज, एवरेज हाँ, तो ये कितना हो गया 19.8, तो 19.8 और x कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस 19.8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 14.4,
तो x हो गया दोनों का एवरेज तो 14.4। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, 21.6 किलोमीटर स्टील वाटर में गया, 21.6 और स्पीड लगाएंगे स्टील वाटर वाला प्लस 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, तो 33 और स्पीड लगाएंगे डाउन स्ट्रीम वाला, ठीक है। दोनों सिंप्लीफिकेशन कर लिए तो सब कट कूट के सीधे 3/2 + 5/3 आ गया, 19/6 सीधा ऑप्शन में आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, टाइम टेकन बाय ए बोट टू ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जो है 3/5 टाइम ले रहा है अप स्ट्रीम से, मतलब 60% की टाइम ले रहा है ना, और स्पीड है जो स्ट्रीम का 4 है, तो कितना समय लेगा 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम से, बस वैसा ही है, सबको निकालते जाइए बारी बारी से, देखिए ये सब बना दीजिएगा, वो सेम था, सेम था ना, बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ मोटर बोट, कोई मोटर बोट कैन गो 8.4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 4.8 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 1 आवर, इट कैन गो 17.5 डाउन स्ट्रीम एंड 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर, हाउ मच टाइम इट गोइंग इतना इन स्टील वाटर, है ना। देखिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पहले देख लेते हैं, डाउन स्ट्रीम में कितना 8.4 गया, कितने टाइम में 17.5 अगले बार में गया, और पहले बार में कितना 1 घंटे में गया, और ये अप स्ट्रीम में कितना कितना गया 2 घंटे में, 2 घंटे में क्या क्या गया 9 किलोमीटर और 31.2 8.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 4.8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम दोनों गया 4.8 अपस्ट्रीम, ये दोनों एक घंटे में, और ये दोनों 17.5 और 9 2 घंटे में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कितना समय लगेगा स्टील वाटर के लिए, है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई एक वेरिएबल को हमको हटाना पड़ेगा, जो कि यहाँ 3-3 वेरिएबल है, 2 ही वेरिएबल में हमको आंसर आना पड़ेगा, तो एक वेरिएबल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक को कॉमन करके निकाल देंगे, मतलब हटा देंगे, या तो डाउन स्ट्रीम को सेम रखेंगे या तो अप स्ट्रीम को, ऐसा करेंगे कि दोनों सेम हो जाए, तो 4.8 को 0.4 से गुना कर देंगे, ये 9 बन जाएगा, 9 को, ठीक है। इसमें क्या करें, 31.2 में 13, हाँ इसको क्या किए कॉमन करने के लिए, मतलब 17.5 मतलब कोई एक को, हम 9 को 4.8 बना सकते हैं, 9 को 4.8 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 1.6। ये हमारा जो है दो लीनियर इक्वेशन आ गया दो वेरिएबल में, x y और ये कुछ वैल्यू इक्वल टू है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको 14.4 बनाना था, इसको भी 14.4 बना दिए, इसको 1.6 से गुना किया तो 14.4 हो गया, इसको 3 से गुना किया 14.4 हो गया, और माइनस कर दिए तो ये 2.8 आ गया, मल्टीप्लाई करके और डिवाइड माइनस करने पे, अब ये 0.6.4 भूल जाइए, 2.8 आ गया, और ये आ गया सॉल्व करने पे 0.2, तो डी डाउन स्ट्रीम में आ गया 14, फिर डाउन स्ट्रीम का वैल्यू पुट कर दीजिए 14, तो फिर अप स्ट्रीम आ जाएगा 12, है ना। मतलब ये दोनों आपको सिंप्लीफाई करके डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का वैल्यू सॉल्व करना था, और फिर एवरेज दोनों का हो जाएगा, दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा एक्स स्टील वाटर का, स्टील वाटर एवरेज हो जाएगा 13, अब 13 हो गया, अब आपको 13.2 जाना था, तो 13.2/13 2.4, ठीक है। तो खाली कैलकुलेशन जानबूझ के दिया था, क्वेश्चन में जान नहीं था, खाली दो इक्वेशन को सॉल्व करना था, ऐसे क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में बनाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, x और y दो पॉइंट है रिवर का, ठीक है, 2020 के प्री में आया था SSC में, x और y दो पॉइंट है रिवर में, पॉइंट P और Q जो है स्ट्रेट लाइन XY को 3 भाग में बांट दिया, रिवर जो है XY की तरफ फ्लो कर रहा है, टाइम जो है बोट को x से Q की तरफ जाने में और y से q की तरफ जाने में 4:5 लगता है, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा बोट का, है ना, और रिवर का, दोनों का रेशियो देखिए, पहले क्वेश्चन पूरा पूरी फिगर में उतार लीजिए,
ये हम पोर्शन उतार लिए, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, ठीक है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, ठीक है। पी और क्यू स्ट्रेट लाइन को तीन इक्वल पार्ट में बांटा है, इसका मतलब एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तीन पार्ट हो गया। और टाइम जो लग रहा है बोट को, रिवर जो है एक्स वाई की तरफ फ्लो कर रहा है, ये रिवर फ्लो कर रहा है। और टाइम जो लग रहा है बोट को एक्स से क्यू जाने में, एक्स से क्यू जाने में जो समय लग रहा है वो चार है, और ये वाई से, ये क्यू से वाई जाने में, वाई से क्यू जाने में पांच है, वाई से क्यू जाने में पांच है, ये चार है, ये पांच है। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम दैट ऑफ द रिवर, डाउन स्ट्रीम और रिवर का रेशियो पूछा। फिगर से तो इतना समझ में आया कि क्वेश्चन क्या दिया है ना। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए पी और क्यू है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था एक्स वाई, ये जो है हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था 4:5, ठीक है ना। अब देखिए तीनों इक्वल 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 डिवाइड में बांटा हुआ था, तो जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में हम जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम हमारा कितना रेशियो आएगा, इसका आधा, टू, फोर का आधा टू, आधा क्यों करे, क्योंकि वो सब इक्वल इक्वल डिवाइड में किया है ना। हाँ, ये चार है, ये दो होगा, ये भी दो, ये भी दो और वो भी दो है ना, अपस्ट्रीम में दो दो दो, हाँ दो हो गया। चलिए तो देखिए तो ये हो गया दो दो, ठीक है, और ये हो गया पांच, ये तो पूरा वहां से था। तो डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में रेशियो कितना हो गया, डाउन स्ट्रीम 5:2, 5:2, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम में 5 है और अप स्ट्रीम में हाँ दो है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब डाउन स्ट्रीम और उसका रेशियो फिर पूछा है ना, किसका पूछा है, डाउन स्ट्रीम और रिवर करेंट का, तो ये 5+2/2 वही होता है एवरेज, तो 5 × 7/2 कितना हो जाएगा, 3.5 रिवर का है, मतलब बोट का हो गया, बोट का तो वो हो जाएगा 1.5, तो 1.5 हो जाएगा, दोनों का रेशियो पूछा था 10:3 है ना, समझ गए। तो कभी कभी क्वेश्चन दिखने में बहुत हार्ड लगता है, लेकिन वो बनता है मौखिक, खाली उसको अच्छे से समझ में आ रहा है पूछा क्या। एक बोट है वो 20 घंटा ले रहा है डाउन स्ट्रीम जाने में पी से क्यू में, और कम बैक हो रहा है आर पॉइंट में जो पी और क्यू के बीचों बीच है, तो वेलोसिटी है आपका स्ट्रीम का 6 और बोट का है 18 है ना, तो डिस्टेंस पूछ रहा है। देखिए सेम टू सेम वैसा ही है, वो बनाइएगा आप लोग है ना, पी क्यू ऐसे करके, हम खाली फिगर बना करके आपको समझा दे रहे हैं, घर पे भी कुछ कुछ बनाया कीजिए, ठीक है। पी क्यू एक्स वाई, तो पी से क्यू में बोर्ड जो है 20 घंटा लेता है, पी से क्यू में 20 घंटा लिया है ना, उसके बाद जो है कम बैक हुआ एक पॉइंट आर में जो पी और क्यू के बीचों बीच है, यहाँ पर आर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ कम बैक हुआ, ठीक है। मिड वे बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर/घंटा एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 18, धारा का स्पीड कितना है 6, और फिर बोट का कितना है 18, तो पी और क्यू के बीच का दूरी पता करना है, ये और ये डिस्टेंस कितना होगा ये बताना है। कैसे बनाएंगे, दोनों का अपस्ट्रीम में 20 घंटा ले रहा है जाने का, डाउनस्ट्रीम में आधा कितना ले रहा है, डाउनस्ट्रीम में 20 घंटा ले रहा है, डाउनस्ट्रीम में 20 घंटा ले रहा है, और फिर वापस आ रहा है आर पॉइंट पे, तो यहाँ पे आ रहा है यहाँ वापस, इसका मतलब कि डाउनस्ट्रीम में 20 है, अप स्ट्रीम में हमको निकालना है जो कि बीचों बीच है, तो डिस्टेंस आधा कर दिया है पी और क्यू का, और अगर वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम 6 है और बोट का स्ट्रीम 18 है तो डिस्टेंस निकालना है, तो ये आप लोग बनाइएगा, ठीक है। डिस्टेंस पता चल जाएगा, स्ट्रीम में 6+18+6 × 20 हो गया डिस्टेंस पी से क्यू, हाँ डाउन स्ट्रीम में आपका हो जाएगा 24 और अप स्ट्रीम में हो जाएगा 12, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस किया है, यह स्पीड हो गया, स्पीड स्पीड इंटू टाइम, टाइम लगा 20 घंटा,
डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस पता चल गया ना आपको, 24 into 20 कितना हो गया 480 डिस्टेंस हो गया पी से क्यू। ये सर यूनिट देख लो सब टाइम है ना, अच्छे 480 किलोमीटर किसका हुआ पी से क्यू डिस्टेंस, पी से क्यू जाने में और फिर वापस आने में आधा मतलब डेढ़ गुना हुआ ना, क्योंकि पी से क्यू गया और फिर आर आया, आधा आया ना, तो 240 तो 3/2 टाइम्स जो है आपका 480 के बराबर है। तो फिर इसको 480 को 2/3 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना 360 320 हो जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस सी और क्यू का, है ना, आंसर 320 सी हो जाएगा, मैंने बनवा ही लिए ठीक है। अब आ जाएगा रेस का प्रॉब्लम, ठीक है, रेस का प्रॉब्लम हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।